हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कमल स्वागत करता हूँ आप सबको मिरर ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम हमारा मोबाइल अगर स्लो चल रहा है तो उसको हम किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं, या मेरा जो मोबाइल में जितना वायरस जंक लग गया है उसको हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, पूरा कोई भी ऐप्स बिना डाउनलोड के अपना मोबाइल सेटिंग से कैसे कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास मेरा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। सबसे पहले तो आपको जाना होगा आपका मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना होगा। आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा डिवाइस मैनेजमेंट, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पे जितना कुछ है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, बैटरी है, स्टोरेज है, मेमोरी है, डिवाइस सिक्योरिटी, जितना कुछ है यहाँ पे अभी सब भी स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद आपका कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ गलत रहेगा तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं कुछ भी। इसकी मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ ये करने के बाद में, हालांकि ये परमानेंट कोई ट्रिक नहीं है कि ये करने से ऐसा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसको यूज़ करने से मोबाइल बहुत फास्ट होता है। मैं खुद ही यूज़ किया बहुत बार, मेरा मोबाइल जब स्लो चल रहा है या फिर बहुत जाम हो गया है तो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, उसके बाद मेरा मोबाइल जो है फास्ट हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं डिवाइस इसको क्लिक करने के बाद मैं ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है ये सभी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या क्या है मेरा मोबाइल पर 36 MB क्लियर हो रहा है, 5 ऐप्स, क्या क्या बैकग्राउंड नो ऐप्स डिटेक्टर, जितना कुछ है अभी सभी मेरे को अभी ये क्लियर कर देगा। करने के बाद और एक स्टेप है, मैं आपको अभी इसके 100% होने के बाद में बताऊँगा। अभी 1 सेकंड टाइम लगाइए, डिवाइस मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये हो गया तो मैं इसको नीचे डाउन वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अभी मोबाइल का परफॉर्मेंस 99% है, उसको एक्सीलेंट दिखा रहा है मेरे को, अभी बहुत अच्छा चलेगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बैटरी स्टोरेज आप सभी कर सकते हैं, मेमोरी भी आप इस तरीके से उसको चेकिंग करके स्कैन करके आप देख सकते हैं क्लीन ना 192 MB, जितना मतलब एक्स्ट्रा जितना MB मेरा मतलब स्टोरेज यूज हो रहा था मेरा मोबाइल पर सभी डिलीट हो जाएगा। ये देखिए आप 192 MB क्लीन हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, डिवाइस सिक्योरिटी जो है उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन का स्कैन होगा तो आप स्कैन फ़ोन पे क्लिक कीजिए तो आपका फ़ोन पूरा फ़ोन स्कैनिंग होगा। ये 1-2 मिनट टाइम लेता है स्कैनिंग होने में। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा डिवाइस सिक्योरिटी यहाँ पे स्कैन हो रहा है तो मेरा ये पूरा फ़ोन स्कैन होगा। जितना ऐप्स है, जितना ऐप्स के अंदर जितना जंक फाइल है सभी ये रिफ्रेश करता रहेगा, सभी ऐप्स को ये चेक करता रहेगा कि कहाँ पर क्या है। ये 10-20 करके 100 तक होगा, होने के बाद ये सक्सेसफुल दिखाएगा कि आपका फ़ोन अभी सही है। तो हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मेरा ऊपर में भी नोटिफिकेशन में भी ये आ गया है कि आपका फ़ोन ऑलरेडी स्कैन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा सब कुछ अभी क्लियर हो गया है अपना मोबाइल पे। मैं वीडियो को थोड़ा कट कर दिया ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेट करना ना पड़े, आप जल्दी से देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 99% अभी 100% एक्सीलेंट पूरा हो गया मेरा मोबाइल, सब कुछ अभी बराबर पक्का चलेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।